नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को सामने आए। हालांकि उन्होंने कंगना विवाद पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। सीएम उद्धव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो चुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक होने की बात कही है। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता से कहा कि जनता ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया है। हालांकि अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से सामान्य जीवन को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीएम उद्धव ने कहा कि लोगों ने इस दौरान संयम दिखाया और राज्य सरकार का पूरा साथ दिया। उद्धव ने कोरोना को लेकर कहा कि संक्रमण की रोकथाम में लोगों ने साथ दिया, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप खबरदार रहें, हम जिम्मेदार रहेंगे। कुछ जिम्मेदारी आप उठाएंगे, कुछ हम उठाएंगे। देश भर में महाराष्ट्र वो राज्य है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उद्धव ने कहा कि कोरोना का संकट बढ़ रहा है और अभी और बढ़ेगा, ऐसे में हमें और सावधानी बरतनी होगी। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, फिलहाल मैं राजनीति पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है। इशारों में उन्होंने कंगना विवाद पर कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हालात हैं, उसके लिए सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि वो लोगों से अनुरोध करते हैं कि कोई हंगामा ना करे और ना ही कोई अफवाहें फैलाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो राज्य में एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, ये मुहिम मेरा परिवार मेरी जवाबदारी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का हर एक व्यक्ति अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र भूलकर एक हो और राज्य की इस मुहिम में शामिल हो, सभी को इस मुहिम पर ध्यान देना चाहिए। सीएम उद्धव ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।